नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने सीखा था हमारा व्यंजन ब। आज हम सीखेंगे भ व्यंजन। भ से भालू, भ से भालू। भ से भालू होता मतवाला, नाच दिखाता यह प्यारा। देखिए, आपने इस तरीके से भालू तो देखा होगा, कई बार भालू वाला आता है और हमें उसका नाच दिखाता है। इस तरीके से देखे होंगे आपने, जो भालू को लेकर घूमते हैं और भालू उनके कहने पर नाच दिखाता है। तो आज का हमारा व्यंजन है, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, भ। भ से भालू। देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जो जिनका पहला व्यंजन भ है। भ से भवरा, भ से भवरा, भ से भवन, भ से भवन, भ से भगोना, भ से भगोना। भवरा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि फूलों के आसपास घूमता है। और भवन तो आप जानते ही हैं, घर को भवन भी कहा जाता है। भ से भगोना, जिसमें खाना बनाया जाता है। ये एक प्रकार का बर्तन है जो रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। भ से भालू, भ से भवरा, भ से भवन, भ से भगोना। आज का हमारा व्यंजन है भ। ये था इसका मौखिक अभ्यास। अब देख लेते हैं कि लिखित रूप में हमें इसे किस प्रकार बनाना है। पहले एक खड़ी रेखा, अब इस तरीके से एक तिरछी रेखा और फिर एक आड़ी रेखा और एक फिर से खड़ी रेखा। और अब जो आपने सबसे पहले खड़ी रेखा बनाई थी उस पर इस तरह का से गोला बना दीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। और अब और बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भ जब हम बनाते हैं तो हम जो ऊपर रेखा खींचते हैं उससे इसे बंद नहीं करते, हम रेखा बस पीछे की तरफ खींचते हैं, ये हिस्सा खुला रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले एक खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, एक आड़ी रेखा तिरछी रेखा से ही जाती हुई, फिर एक और खड़ी रेखा, और जो हमने पहले खड़ी रेखा बनाई थी उस पर इस प्रकार से गोल। और देखिए, ये है भ से भालू। ध्यान रखिए, जब आप लाइन खींचे तो इसे हमें पूरा बंद नहीं करना, हमें पीछे की तरफ लाइन खींचनी है इस प्रकार, और ये हिस्सा इसका खुला रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले एक खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, यहाँ से एक आड़ी रेखा, इस प्रकार एक खड़ी रेखा जिस पर ऐसे लाइन बनाएंगे, और जो हमने पहले खड़ी रेखा बनाई थी उस पर इस प्रकार से गोला। तो ये है भ से भालू। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, एक आड़ी रेखा और फिर से एक खड़ी रेखा, और पहली खड़ी रेखा पर इस प्रकार से एक गोला और पीछे की खड़ी रेखा को इस प्रकार से लाइन से कवर कर दीजिए। तो ये है भ से भालू। ध्यान रखिए, जब भी आप भ से भालू बनाएं तो उसे इस प्रकार पूरी तरीके से बंद नहीं करना, ये गलत तरीका है। एक खड़ी रेखा, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिए, खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, एक आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और पहली जो खड़ी रेखा बनाई थी उस पर इस प्रकार से गोला। और अब यहाँ एक लाइन खींच दीजिए। इसी तरीके से आपको भ से भालू का एक पेज लिखकर अभ्यास करना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। और जो ये मार्जिन स्पेस है, यहाँ पर पहले डेट ज़रूर मेंशन करें। ये था हमारा आज का व्यंजन भ से भालू, भ से भवरा, भ से भगोना, भ से भवन।
अगली हिंदी पाठशाला में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना हिंदी का गृह कार्य कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।